सविंदर जी नजर डालें अगर मसाला कॉम्प्लेक्स की ओर, तो देख रहे हैं कि धनिया और जीरा काफी ठीक ठाक परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं। धनिया में एकदम से तेजी देखने को मिली, 8200 का हाई लग चुका है, और जो जीरा है वो 14700 के ऊपर निकल चुका है। हल्दी में थोड़ी नरमी देखने को मिल रही है, आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में मसालों में क्या ऐसा रुझान देखने को मिल पाएगा? देखिए, धनिया की बात करें तो धनिया में हमने पहले भी बोला था, धनिया और जीरा जो है ये कंसोलिडेशन रेंज में ही रहेंगे, और जैसे दिवाली पास आएगी और इसमें बाइंग अगेन से विटनेस होगी, क्योंकि डोमेस्टिक डिमांड जो है वो इंक्रीज करेगी। वही प्राइस मूवमेंट में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। इस समय धनिया प्राइसेस आने वाले कुछ दिनों में 8300 से 8400 की रेंज में मूव करते हुए दिखेंगे। और वहीं जीरा की बात करें तो जीरा में भी हमने एक काफी लंबा कंसोलिडेशन देखा है, लगभग 4-5 हफ्ते से ये 1400 से 1500-1200 की रेंज में स्टक करी हुई है कमोडिटी। चांसेस ये लग रहे हैं कि हायर साइड में अगर 14400 का डाउन साइड ब्रेक नहीं करता है तो अप साइड में 15200 और 15600 को टारगेट करेगी, और ये दिवाली के आसपास ही होने वाला है। वहीं हम हल्दी की बात करें तो हल्दी में थोड़ी सी नरमी जरूर देखने को मिल रही है, क्योंकि डोमेस्टिक डिमांड जो है वो इतनी ज्यादा नहीं है इसमें अभी, और उसी वजह से हम देख रहे हैं कि प्राइसेस जो है ये स्लिप कर रहे हैं। लेकिन यहाँ से सपोर्ट पे है, 7090 का सपोर्ट है, और प्राइसेस यहाँ से रिबाउंड कर सकते हैं, एक शॉर्ट टर्म अपसाइड देखने को मिल सकता है इस पर। जी,